अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बन रहा है बीफ यखनी पुलाव, तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है, तो आप लोग ने भी ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। जब तक जल्दी से जाएं, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। तो अब पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 kg बीफ लिया है और इसको मैं एक बॉयल कर लूँगी ताकि इसका ब्लड निकल जाए, अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। फिर इसके बाद मैं यखनी बनाऊँगी। तो यखनी के लिए 2 कप मैंने पानी लिया है, तो 1 tablespoon सौंफ डलेगी, 1 tablespoon साबुत धनिया, उसके बाद गरम मसाला ऐड करना है, इलायची, बादियान के फूल, कड़ी पत्ता। तो अब इसमें मैंने एक छोटी प्याज ली है और 4 से 5 लहसुन लिए हैं मैंने छोटे, तो इसको ऐड कर दिया। अब इसको कुकर में रख देंगे बॉयल होने के लिए। तो अब मैंने ली है कढ़ाई, इसके अंदर डालना है 1 cup ऑयल, कुकिंग ऑयल। तो अब ऑयल में फ्राई करेंगे प्याज को। तो मैंने मीडियम साइज़ की एक बड़ी प्याज ले ली है और इसको अब हम फ्राई करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने पेस्ट को क्यूब्स बना के रख दिए थे और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि मैं लहसुन अदरक का अलग अलग पेस्ट बना के, क्यूब्स बना के, आइस क्यूब्स में बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ, तो इससे ख़राब भी नहीं होता और देर तक चलता है। तो आपको 1 tablespoon अगर लहसुन चाहिए तो ये 1 tablespoon के बराबर ही होता है। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। अब 3 tablespoon दही डालनी है आपने, तो ये मैंने 3 tablespoon दही ऐड कर दी इसमें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप। तो अब मुझे हरी मिर्चों का पेस्ट बनाना है, तो मैंने ये 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं। अब इसको मैं पेस्ट बना लूँगी और पेस्ट बनाऊँगी तो 2 tablespoon ये निकलेगा इसका पेस्ट, और इसको अब मैं ऐड कर दूँगी मसाले में। तो ये मेरा तकरीबन 2 tablespoon जो है ग्रीन चिल्ली पेस्ट निकल गया और अब इसको मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मसाले को भुनेंगे अच्छी तरह से। तो ये है ब्लैक पेपर, तो मैंने 1/2 teaspoon लिया है ब्लैक पेपर। और इसके बाद ऐड करना है आपने नमक, लेकिन नमक को कम रखना है थोड़ा, और क्योंकि पुलाव मसाला ऐड कर रही हूँ मैं, ये कराची का स्पेशल पुलाव मसाला है। अगर आप लोग चाहते हैं ये बाय करना तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। बहुत ही मज़ेदार ये मसाला है, खुला हुआ मसाला, कराची का स्पेशल पुलाव मसाला। तो जैसे कि आप लोग शान मसाला और पैकेट्स के मसाले ख़रीदते हैं उसी तरह, मतलब उससे भी ज़्यादा बहुत ही मज़ेदार पुलाव मसाला है। तो अब मैंने बीफ की यखनी बना ली है, अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ मसाले में। तो बीफ़ यखनी में से आपने क्या क्या निकालना है, बीफ़ निकालना है और उसके अलावा आपने जो गरम मसाला ऐड किया था उसमें से वो निकाल लेंगे। तो हम इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भुनेंगे ताकि मसाला बीफ के ऊपर जब्स हो जाए। तो अब इसमें मैं यखनी का पानी ऐड कर रही हूँ, जो मैंने पीछे यखनी बॉईल करके रखी थी, तो मैंने इसका पानी मैंने 2 cup ऐड कर दिया है इस मसाले में। और अब इसको पानी डाल के भुनेंगे। तो अब एंड में गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 tablespoon आपने ऐड करना है थोड़ा सा। और इसके अलावा अब हम चावल ऐड करेंगे, तो चावल आपने जितने बनाना है, मैंने ये 1/2 kg राइस लिए हैं और ये मैंने 1/2 kg ही बीफ लिया था, तो मैंने इसका पुलाव बनाया है। तो चावल ऐड कर दिए हैं, अब इसमें आपने ऐड करना है पानी। तो अब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ 2 cup, क्योंकि मैं 2 cup पहले यखनी डाल चुकी हूँ पीछे, तो 2 cup ही पानी, सादा पानी डालेंगे अब इसके अंदर। तो अब इसको मिक्स करके चावलों को अच्छी तरह से, तो आपने इसको रख देना है पकने के लिए फुल फ्लेम पर। तो अब हमने पकने के लिए रख दिया है, 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे पकाना है आपने। उसके बाद 5 मिनट्स बाद आपने इसका फ्लेम स्लो कर देना है जी। तो हमारा पुलाव रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार पुलाव बना है, यखनी बीफ पुलाव।
तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो मैंने प्याज को ब्राउन फ्राई कर लिया था, ऊपर से इस पे प्याज डाल दी, बहुत ही मज़े की लगती है। उसके बाद मैंने एक हरी मिर्च रख दी। तो आपके सामने रेडी है मेरा बीफ यखनी पुलाव, तो आप लोग ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।